नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सिंभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं जमशेदपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को चैम्बर भवन में एक दिवसीय पोस्ट बजट सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार में कोलकाता से सीए केके छापरिया एवं सीए अभिषेक टिबरेवाल शामिल हुए। आज का जो सेमिनार था, जो बजट 2023 का मैडम सीतारमण ने जो दिया था, उस पर हमने एक चर्चा के लिए बुलाया था। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पे जो हमने विशेषज्ञ को कलकत्ता से बुलाया था। इनकम टैक्स में कुछ ऐसे ऐसे अमेंडमेंट आए हैं जिसके बारे में हमें बहुत क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। चूँकि मैं सीए पटेंडी से भी हूँ, मैं चैम्बर का वाइस प्रेसिडेंट टैक्स एंड फाइनेंस कर रहा हूँ, तो बहुत सारी हमारे बीच में भी डिस्कशन में जो हुई थी हाउस डिस्कशन में, बहुत सारे हमारे भी क्यूरी थे, तो आज हमारे वो रिजॉल्व हुई है। और बहुत सा जो चीज हमने बोला, फोकस किया कि आने वाला जो बजट का जो है वो मापदंड चेंज होकर प्रोग्रेसिव बजट आ रहा है और अपॉर्चुनिटी बजट आ रहा है। इस दिशा में सरकार का जो है वो कदम जा रहा है, जो कि आने वाले समय में जरूर जो निश्चित तौर से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना हमारे प्रेम ने देखा वो जरूर आगे जाके। अपना परिचय दीजिए। मैं सीए दिलीप गोलेचर, वाइस प्रेसिडेंट टैक्स एंड फाइनेंस विंग सिंभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यूनियन बजट 2023 के अंदर जो जो चेंजेस आए इनकम टैक्स और जीएसटी में, उसके बारे में सेमिनार था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के अंदर जो मुख्य चेंजेस हैं, उसमें से ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए सुविधा लाई दी गई है, छोटे व्यापारियों के लिए आसान बनाया गया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट में काफ़ी बदलाव किए गए हैं, रिटर्न के मैकेनिज्म के लिए जो लॉ में कुछ छोटे मोटे खामियां थी उनको ठीक किया गया है। इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस हैं। ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ज़्यादा बढ़ावा देने के नज़रिए से जीएसटी में चेंजेस आए हैं, और क्योंकि ये धीरे धीरे पुराना टैक्स हो रहा है, अब ये और आसान और सबके लिए जानकारी भरा टैक्स बन जाएगा। हमारे पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्गीय सी दिनेश चौधरी जी की स्मृति में पोस्ट बजट सेमिनार का आयोजन किया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट प्रसारित होता है, और उस 1.5 घंटे के बजट में बहुत पूरे वर्ष भर के लिए लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है, परंतु उसके अंदर बहुत सारी विस्तृत जानकारियां हम लोगों को उस बजट के सीधे प्रसारण में नहीं मिल पाती। इसलिए चैम्बर की ये परिपाटी रही है कि बजट के सप्ताह 10 दिन 15 दिन के अंदर हम लोग शहर के बाहर से विशेषज्ञों को बुला करके उसकी विस्तृत जानकारी, विभिषिकाएँ, लाभ हानि, इन सब का इवैल्यूएशन करने के लिए यहाँ एक कार्यक्रम रखते हैं, जिसमें शहर के व्यापारी, उद्यमी, टैक्स प्रैक्टिशनर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काफ़ी संख्या में एकत्रित होते हैं, और बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, नए क्या उनसे व्यापारी उद्यमी समाज पर लाभ होने वाला है, क्या हानि होने वाली, क्या नया कर लगेगा, क्या उपकर लगेगा, किन चीज़ों में रियायतें दी गई हैं, किन चीज़ों की रियायतें हटाई गई हैं, इस सब चीज़ की विस्तारपूर्वक जानकारी विशेषज्ञों द्वारा दी जाती है। और जो भी सदस्य यहाँ उपस्थित होते हैं उनके मानस पटल पर जो भी जिज्ञासाएँ रहती है उसका निराकरण भी हमारे विशेषज्ञ जो बाहर से आते हैं वो करते हैं। आज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पे 2 विशेषज्ञ कोलकाता से पधारे, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस उद्देश्य से आज का ये सेमिनार किया गया था वो फलीभूत होता नजर आया है। लोगों के मन में जितनी भी जिज्ञासाएँ थी उसका निराकरण हुआ है, और लोग अपने अपनी जिज्ञासाओं के प्रति आश्वस्त होकर के उसका उत्तर लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। विजयानंद मुनका, अध्यक्ष सिंघूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।